नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करूंगी चातुर्मास के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरि शयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी तक चातुर्मास रहता है। यह चातुर्मास क्या है, इन चार माह में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इन चार माह में किन किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, इस चार माह को क्यों चातुर्मास कहते हैं, क्यों इन चार माह में शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। चातुर्मास में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी जीवन शैली को रखना चाहिए और किस तरह से पूजन अर्चन करके हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, दोस्तों सारी बातें आप लोग जानेंगे। वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि चातुर्मास क्या है। 2023 में 29 जून दिन गुरुवार को हरिशयनी एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इन चार माह में आज ही से अर्थात हरिशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इस धरती का, इस सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान भोलेनाथ जी के हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए इन चार माह में शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम इन चार माह में भगवान विष्णु जी का आवाहन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु जी का यदि हम आवाहन नहीं कर सकेंगे तो हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कैसे प्रारंभ कर पाएंगे। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पहले हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु जी का मुख्य स्थान है। दोस्तों यही कारण है कि इन चार माह में हम कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं। खास बात यह है कि 2023 में इस बार चातुर्मास जो है वो चार माह का नहीं बल्कि पांच माह का होगा, क्योंकि सावन माह दो महीने का हो रहा है। तो सावन माह दो महीने का होने के कारण हम पांच माह तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं कर सकेंगे। अब आइए जानते हैं कि चातुर्मास के चार माह में किन किन देवी देवताओं की हमें पूजन अर्चन करनी चाहिए। सबसे पहले तो आषाढ़ एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है, जिसमें कि हम भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। फिर आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है, जिसमें हम गुरु की पूजा करते हैं, जिसे कि गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। फिर आता है सावन मास। सावन मास पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सावन मास में हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर आता है भाद्रपद मास अर्थात भादो मास। भादो मास पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित होता है। भादो मास में हम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर आता है क्वार मास, जिसको कि आश्विन मास भी कहा जाता है। आश्विन मास माँ भगवती जी को समर्पित है। माँ भगवती जी के समस्त स्वरूपों की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर आता है कार्तिक मास। कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को समर्पित है, अर्थात चातुर्मास का जो अंतिम मास होता है वो फिर से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना हम करते हैं। हर प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं, उस दिन हम विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस दिन हर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं और बहुत ही विधि विधान से इस व्रत का पालन करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग चातुर्मास के सभी जो नियम है, चातुर्मास का क्या कारण है, ये चार माह क्या होता है, ये सभी बातें आप लोगों ने जानी। दोस्तों चातुर्मास में वैसे तो सभी शुभ और मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम भगवान विष्णु जी का आवाहन नहीं कर पाते हैं इस वजह से। लेकिन इस समय दान पुण्य मंत्रों का जप करना, पूजन अर्चन करना, ये सभी विशेष फलदायी होता है, जिसमें कि हम समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। तो हम लोग विधि विधान से इन चार माहों में पूरे नियम का पालन करके भगवान जी की पूजा अर्चना करें, दान करें, पुण्य करें, धर्म कर्म करें और अपने मन को और अपने विचारों को भी सात्विक रखें। चातुर्मास की यदि मैं नियम की बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि आज के समय में समय बदल गया है, बहुत सारे कठिन नियमों को हम नहीं निभा पाते हैं व्यस्तता के कारण या फिर कहें कि अपनी शारीरिक दिक्कत के कारण। लेकिन यदि मैं चातुर्मास के नियमों की बात करूं तो पहले समय से ही हमारे पुराने समय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, ये चातुर्मास के समस्त नियमों को बहुत ही विधि विधान से निभाते थे, जिसमें कि खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता था,
इन 4 माह में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता था, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता था, भूमि पर शयन किया जाता था और विशेष रूप से भगवान जी के मंत्रों का जप किया जाता था। किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य इन 4 माह में नहीं करना चाहिए, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 माह में जितना हो सके, कहने का मतलब है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से सात्विक रहकर हमें भगवान के ध्यान में लीन रहना चाहिए, उनके चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। यहां तक कि चातुर्मास में शरीर पर तेल लगाना भी वर्जित होता है, पलंग पर सोना वर्जित होता है, लेकिन नियम की यदि मैं बात करूं तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी कार्यशैली के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार नियमों का आप लोग पालन करें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि समस्त नियमों का आप लोग कठिनाई से पालन करें, क्योंकि सबकी जीवन शैली अलग है, सबके कार्य अलग है, सबकी व्यस्तता अलग है, लेकिन मैं मानसिक रूप से जो जप की बात है, मानसिक रूप से जो सात्विक रहने की बात है, पूजन अर्चन की बात है, वो आप लोग निरंतर कर सकते हैं। अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं, मन में गलत विचारों को न लाएं, किसी के बारे में बुरा न सोचें, बुरा न कहें, किसी के साथ बुरा न करें, जितना हो सके किसी की सहायता करें, मदद करें। दोस्तों ये भी बहुत ही बड़ा धर्म और पुण्य कार्य है, तो ऐसा करने से भी आपके चातुर्मास के समस्त नियमों का पालन हो जाएगा। चातुर्मास में दोस्तों यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निरंतर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है, आपके समस्त पाप का जो फल है उससे आपको छुटकारा मिलता है और आपको भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन माह तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी के लिए समर्पित है और उनकी पूजा अर्चना हम हर प्रकार से करते हैं, हर प्रकार से उन्हें मनाने का और प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इन 4 माह में ऐसा नहीं है कि किसी आप एक ही देवी देवता की पूजा करें, आप समस्त देवी देवताओं की पूजा करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करें, माँ भगवती की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। तो इस तरह से चातुर्मास के नियमों को आप लोग पूरी तरह से निभाएं। दोस्तों यह माह गर्मी का माह होता है, इस माह में जितना हो सके जल का सेवन करें, अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें, गरिष्ठ भोजन का सेवन न करें, अत्यधिक तेल मिर्च मसालों का प्रयोग न करें। ऐसा करने से आपका मन जो है वो शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा, आपके विचारों में शुद्धता रहेगी। सात्विक भोजन करने से हमारा विचार शुद्ध होता है और हमारा मन अधिक से अधिक भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में लग पाता है। यह भी चातुर्मास का नियम, इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया है। दोस्तों इस बार 2023 में चातुर्मास 29 जून से प्रारंभ हो रहा है और यह समाप्त होगा 23 नवंबर को, अर्थात 5 माह के बाद चातुर्मास समाप्त होगा। इन 5 माहों में समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसती रहे, मेरी यही कामना है। आप सभी लोग इस वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।